मेरे स्कूल में ऑनलाइन क्लास हो रही है और मुझे खांसी हो रही है, क्या करूं? पापा मुझे बाद में खाऊंगा। अभी सोने? दिवांशी थोड़ा बहुत खाएगी तो उसको एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल खाना नहीं खा रही थी लेकिन अभी देख करके बहुत खुशी हो रही है। चलो खाने के लिए। नहीं, मैं नहीं खा रहा। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने हैंडशेक बोला है? नहीं बोला ना? हैंडशेक। वाव, क्या कर रहा है? दोस्तों हम लोग शिमला में नहीं, मसूरी में नहीं, हम लोग दिल्ली में अभी घूम रहे हैं और घर के सामान के लिए आ रखे हैं। राशि के लिए चप्पल लेने, जूते लेने। हाँ जूते। कैसा लग रहा है यहाँ पे? ऐसा लग रहा है ना कि बर्फ गिरने वाली है, पता है? मतलब कभी भी गिर सकती है। दिल्ली में बर्फ? हाँ। वाह मेरी बीबी, वाह। दिल्ली में बर्फ? जहाँ बीबी हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। भैया कैसे बनाते हो? 20 का 30 का। दोस्तों राशि ना गोलगप्पों की दुकान के सामने से आ रही है लेकिन क्या करे, खा नहीं सकती है, तबीयत खराब है। काफी ठंड भी लग रही है और ऐसा लग रहा है ना सब लोग बाहर ही घूमते रहते हैं, हम ही लोग अंदर रहते हैं। राशि को सारी शॉप पता होती है, कहाँ चप्पल ही चप्पल, जूते जूते मिलते हैं। लोना भी काले जूते? अरे तो 5 नंबर वाली है, तो 5 या 6 नंबर। दोस्तों ये 60 रुपए की सेल ऐसे लग रही है जैसे मंदिर में चुराए हुए चप्पल नहीं होते, वही लग रहे हैं। देखो चलो, राशि ने अपने लिए जूते ले लिए। राशि यहाँ पर इसीलिए देख रही है पजामा क्योंकि यहाँ पर गोलगप्पों की खुशबू आ रही है। दोस्तों ये देखो है ना, गोलगप्पे तो मैं अभी खाने नहीं दूंगा ना, तो खुशबू से काम चला लेते हैं। और गोलगप्पे के सामने तो लड़कियां ना मिले कैसे हो सकता है। घर पे सब बढ़िया? कुछ बताओ, पूछो इससे कुछ। आपके घर में बस सब ठीक हो जाए, इसके बाद हम आते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? मेरी YouTube फैमिली मेंबर्स हमें मिले हैं, काफी अच्छी स्माइल है सबकी। तो आप लोगों ने शॉपिंग कर ली सबने? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। अच्छा, थैंक यू सो मच, हमें भी अच्छा लग रहा है बहुत। गले मिलो जाते फ्रेंड, गले मिलते हुए। थैंक यू सो मच। वो इसीलिए क्योंकि आप लोग कनेक्ट हो ना, इसीलिए हम लोगों ने काफी टाइम से मेथी के पराठे नहीं खाए हैं तो हम यहाँ से ना मेथी ले जा रहे हैं। अच्छा। और अभी ताजी ताजी मेथी आ रखी है। हाँ। और मेथी कितने रुपए किलो है? 20 रुपए किलो। अंकल जी 20 रुपए किलो? 40 रुपए किलो। अच्छा हेलो, तो आप लोग मेथी के पराठे खाओगे? हाँ? आपने मोमोज तो नहीं खाए? क्यों खाएंगे हम मोमोज? अगर मैंने चटनी देख ली ना तब देखना। रुद्रांश की आवाज ना अलग ही हो गई ना। हम आपके लिए 2 टोपी लेके आए, एक आपके लिए एक देवांशी के लिए। थैंक यू मम्मी। और इसको ना सैनिटाइज कर दो जरा, इधर करो। या देखो, या देखो यार। कैप्टन ये झुमरी तलैया नहीं है जहाँ पर तू ये लोडक वोडक करेगा। ये वाली है मेरी कैप और ये वाली है देवांशी की कैप। आपकी आवाज कब सही होगी? जब मैं ठीक हो जाऊंगा। कितनी बार बोलूं? देवांशी इस उम्मीद में है कि ये चिप्स का पैकेट खुलेगा लेकिन सिर्फ चुप कराने के लिए दिया है बिकॉज वो बहुत ज्यादा रो रही थी। घर में जब कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है ना, तो बच्चों के लिए जैसे टॉफियां और चिप्स लेकर के आते हैं तो कैसे छुपाएं, बच्चों की नजर तो पहली पड़ जाती है, मेहमान रखते भी नहीं है उसको, बच्चों की नजर पहली पड़ जाती है। तो इसीलिए दोस्तों आजकल के बच्चों को ना थोड़ा भोला भाला नहीं समझना। और ये है मेरे जूते। राशि ने कहा कि उसको ठंड लगती है नॉर्मल जूते पहन करके, तो वो ऐसे जूते लाई है जो कि उसके पैरों को ढक देंगे।
और थोड़ा कुछ ऊपर, हाँ सही है। हाँ बहुत भारी लग रहे हैं, पर मैंने फर्स्ट टाइम सेलो कंपनी का वाइपर लेके आई हूँ तो आपको दिखाती हूँ। और इसकी ना एक साल की वारंटी है, ये देखो। बहुत बढ़िया कैप्टन के बाल निकालने के लिए अच्छा है वाइपर, और बाकी पानी भी साफ करने के लिए। चलो ये देखो हमारे कैप्टन के बाल अब हम लोग जहाँ भी जाते हैं कैप्टन के बाल हमारे साथ में जाते हैं तो कैप्टन की कमी हमको कभी होती नहीं है राशि अपने लिए ये स्टॉल लेकर के आई है। अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं था कि ये इतना अच्छा है, मैं दूसरा भी ले आती। ओह माय गॉड, लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम मार्केट जाऊंगी ना एक और लेके आऊंगी अपने लिए। हाँ बढ़िया रुद्दू कहता होगा कि यार मुझे कैसे मम्मी डैडी मिले हैं ना, कैसे मम्मी डैडी, कैसे मम्मी डैडी है। निकल जाएगा ये, निकलेगा। सही तो है। हम लोग ये भी लाए थे बाथरूम के लिए जिसमें ब्रश रखेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ये अटकेगा, ये कभी भी गिर सकता है। दोस्तों मेरे स्कूल में ऑनलाइन क्लास हो रही है और मुझे काशी हो रही है, क्या करूं, काशी हो रही है मुझे। और पापा बोल रहे क्या बोल रहे पापा कैप्टन दोस्तों बाथरूम में एक घटना घट रखी है खतरनाक, आप देख सकते हो, कुछ लोग नीचे भी पड़ रखे हैं ये देखिए खतरनाक एक्सीडेंट दोस्तों यात्री जो हैं वो नीचे भी देख रहे हैं और लटके हुए हैं बीच में। ओह माय गॉड, हमने बना रखी बहुत ही हल्की दाल जिसको कि बच्चे खाएंगे। दोस्तों आपने स्पीड देखी राशि, मान लो तुम नौकरी पे जाती हो, यस इतनी स्पीड में मत खा भाई, थोड़ा सा धैर्य रख, संयम रख। मतलब मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है, मतलब ब्लॉग बनाना, वो यहाँ पर तीन बार हाथ आ गया, खत्म कर दी। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना, रुटे आज तो नमक मिर्च ना बहुत ही कम हो रखा है। दीवान से को चम्मच से दाल पिलाना। पापा खाओ रोटी दे। दोस्तों जिंदगी जो है ना वो नॉर्मल ट्रैक पे आ रही है तो अच्छा लग रहा है, बच्चे भी खाना शुरू कर रहे हैं। 10 दिन तक बुरी हालत हुई थी, थोड़ा लाइफ में नमक कम हो गया था, लेकिन देखो हमारा साला राम है ना, ये नमक भी ले आया है। और अभी 10 दिन बाद ना हमारे किसी खास रिलेटिव में शादी भी है तो वहाँ भी जाना बहुत जरूरी है, आई होप तब तक बिल्कुल बढ़िया हो जाए। इन आँखों की मस्ती के दोस्तों मेरा साला राम ना मेथी के पत्तों को अलग कर रहा है, कल हम लोग खाएंगे मेथी के पराठे, है ना। बहुत अच्छा लड़का है ये, हाँ चेक करता रहियो, ठीक है ना, सारे पत्ते अलग होने चाहिए, ठीक है मालिक। मालिक मुझे भी आना आपके साथ, ये खतरनाक है मालिक ओह गॉड। दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग, और आप लोग भी अपना ध्यान रखना, आपको कल मिलेंगे, बाय बाय